गोरखपुर जिले में शनिवार को 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,902 हो गई है। इनमें से 297 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,194 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1411 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, अगर शहर की बात करें तो 46 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार को सबसे अधिक 15 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 5, शाहपुर थाना क्षेत्र में 11, कोतवाली में 6, गुलरिया में 1, चिलुआ ताल में 2, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 3, तिवारीपुर में 3 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 85 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 27, कोराबार में 11, खजनी में 1, बांसगांव में 4, कैंपियागंज में 4, पिपराइच में 1, गोला में 15, कौड़ीराम में 1, बेलघाट में 1, भटहट में 3, सहजनवा में 2, सरदारनगर में 2, पिपरौली में 1, पाली में 1, ब्रह्मपुर में 4, बड़हलगंज और गगहा में 2-2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 10 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।